सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीएसबी बैंक के क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दिखेगी वो लाख में दिखेगी, इसका आपको खास ध्यान रखना है। इस कॉलम में आपको प्रेजेंट क्वार्टर के नंबर दिखेंगे, यानी इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। इस कॉलम में आपको पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स दिखेंगे और जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें कंपनी की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पता चलेगी। इस कॉलम में आपको पिछले साल के इसी क्वार्टर यानी मार्च 2020 के नंबर दिखेंगे और जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपनी की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसी रही। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी की इनकम के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट क्वार्टर में अगर इनकम की बात करें तो करीब 60,945 लाख के करीब इनकम होती हुई नजर आई है। वहीं पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 59,924 लाख के करीब इनकम हुई थी और वहीं पिछले साल के इसी क्वार्टर यानी मार्च 2020 की बात करें तो करीब 47,549 लाख के करीब इनकम होती हुई नजर आई है। यानी कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर हम देखें तो कंपनी की इनकम में भारी उछाल होता हुआ नजर आया है और कंपनी की इनकम बहुत अधिक बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये कंपनी के लिए बढ़िया साइन है और यहाँ पर कंपनी ग्रो कर रही है, यहाँ से यही साइन मिल रहा है। तो अब चलिए बात करते हैं कंपनी की एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी कंपनी के खर्चों के बारे में। तो अगर हम प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी के खर्चों के बारे में बात करें तो 48,049 लाख के करीब कंपनी का खर्च होता हुआ नजर आया है। वहीं पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 41,688 लाख के करीब कंपनी का खर्च होता हुआ नजर आया था। वहीं पिछले साल के इसी क्वार्टर यानी मार्च 2020 की अगर बात करें तो 36,850 लाख के करीब कंपनी का खर्च होता हुआ नजर आया था। अगर देखिए हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपनी के खर्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े कम ही सही लेकिन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं है। देखिए कंपनी के खर्चे जितना ज्यादा होंगे कंपनी के प्रॉफिट में उतनी ही ज्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो कंपनी के खर्चे भारी भरकम बढ़ते हुए नजर आए हैं और इसका असर आपको कंपनी के प्रॉफिट्स पर देखने को मिलता है। कंपनी का प्रॉफिट्स यहाँ पर कम हो जाता है। देखिए खर्च बढ़ेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका प्रॉफिट। तो चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, क्योंकि वही एक्चुअल प्रॉफिट होता है कंपनी का। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर प्रेजेंट क्वार्टर में बात करें तो 4,289 लाख के करीब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 5,305 लाख के करीब कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था। वहीं पिछले साल के इसी क्वार्टर यानी मार्च 2020 की बात करें तो करीब 5,968 लाख के करीब यहाँ पर कंपनी को लॉस होता हुआ नजर आया था। यानी कि आप देख सकते हैं लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई सिर्फ एक साल के अंदर। और देखिए भारी भरकम लॉस हुआ था कंपनी को, वहाँ से भारी भरकम प्रॉफिट में कंपनी लौटती हुई नजर आई है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है और ये काफ़ी बढ़िया कंपनी ने, देखिए बहुत दम दिखाई है कंपनी ने, जिसके बाद कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आई है। तो इसका सर आपको यहाँ पर डायरेक्टली इसके शेयर प्राइस में मंडे के दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए सैटरडे के दिन इसके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स आने के बाद अभी एक भी बार मार्केट ओपन नहीं हुआ है। तो रिजल्ट आप जब भी मार्केट ओपन होगा इसके शेयर में आपको एक्शन देखने को मिलेगा और यहां पर जो इसके इसका शेयर प्राइस है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी मार्केट को ले तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, नजर बनाए रखनी है। अगर ईपीएस की बात करें तो यहां पर 2.47 प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 3.06 के आसपास था और पिछले साल के इसी क्वार्टर यानी मार्च 2020 की बात करें तो 3.44 माइनस में था। तो माइनस से यहां पर प्लस में आता हुआ नजर आया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी गिरावट हुई है बट वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करती, यहां पर लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है और इनके रिजल्ट को मैं एवरेज से भी ऊपर रखूंगा, क्योंकि कंपनी ने बढ़िया यहां पर मुनाफा किया है और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में उभरती हुई आई है। तो यहां पर काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।